डेटा स्टोर करने की बात हो या कंप्यूटर ऑपरेट करने की बात हो, जब आप कोई भी डेटा अपने पेन ड्राइव में या SSD या हार्ड ड्राइव में आप सेव करके रखते हैं और जब जरूरत पड़ता है और आप उस पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव या SSD को कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से, तो एक मैसेज पॉपअप होता है, यू नीड टू कमिट योर पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव। तो आप परेशान रहते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही सेंसिटिव डेटा होता है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है और आप उसे सेव करके रखते हैं कि फ्यूचर में जब कभी जरूरत पड़ेगा तो आप उसे यूज करेंगे, और जब जरूरत पड़ता है आप उसे कनेक्ट करते हैं तो मैसेज पॉपअप होता है, यू नीड टू फॉर्मेट योर पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव। तो आप परेशान रहते हैं, तो इसी का सलूशन लेकर के आया हूँ मैं इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो इसमें मैं दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस कैसे आप किसी भी पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव या SSD को आप बैकअप कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं और अपना डेटा सेव कर सकते हैं, लॉस होने से बचा सकते हैं अपने डेटा को। कोई कोई क्या करता है, पेन ड्राइव में ऐसा एरर आता है तो सोचते हैं कि लास्ट ऑप्शन है, इसे फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। तो आपको फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, उसे कैंसिल कर देना है। और मैं प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आप अपने पेन ड्राइव या SSD को रिकवर कर सकते हैं, अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं और फिर से आप अपने उस पेन ड्राइव को ऑपरेट कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ आपका डेटा रिकवर हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे इसे करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है पार्टीशन फाइंड एंड माउंट। इसे डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत ही कम MB का सॉफ्टवेयर है ये और 2-3 मिनट में डाउनलोड हो जाता है, और इसे डाउनलोड करके हम इंस्टॉल कर लेंगे और इसे ओपन करेंगे। और ओपन करके हम जब भी इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे जितने भी ड्राइव्स आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्टेड हैं वो सारे स्कैन करके ये डिस्प्ले कर देता है। पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, SSD, जो भी स्टोरेज डिवाइस आपका कनेक्टेड है वो सब दिखा देता है। तो यहाँ पे हम स्कैन के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा आपको स्कैन करने का, तो नॉर्मल स्कैन आपको कर देना है। नॉर्मल स्कैन पे आप क्लिक करेंगे तो स्कैनिंग होने लगेगा, और ये प्रोसेस में डिपेंड करता है कि आपका जो ड्राइव है, जो USB है, वो कितना GB का है, कितना TB का है, तो और उसमें कितना डेटा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा। तो ये जो मेरा पेन ड्राइव है ये 16 GB का है और उसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसे रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसे ही रिकवर करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे आप अपना पेन ड्राइव रिकवर कर सकते हैं। जब मैसेज पॉपअप होता है, आप USB को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में, तो पॉपअप होता है मैसेज कि यू नीड टू फॉर्मेट योर पेन ड्राइव। तो उसे फॉर्मेट नहीं करना है, अगर फॉर्मेट कर देंगे तो आप डेटा रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो उसे कैंसिल कर देना है। और उसे बाद में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आपको स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद स्कैनिंग में टाइम लगता है, ये डिपेंड करता है आपके डेटा कितना ज़्यादा है आपके हार्ड ड्राइव में, उतना ज़्यादा ये टाइम लेता है। तो ये एक बार स्कैन करने के बाद अगर आप रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसे स्कैनिंग नहीं हो पाएगी और आपका डेटा रिकवर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, तो अभी मैं थ्रू आउट स्कैनिंग पे डाला था तो इससे हमारा जो स्कैनिंग है कंप्लीट नहीं हो पाया, डेटा रिकवर नहीं हो पाया। तो अब हम इसे नॉर्मल स्कैनिंग पे डाल रहे हैं और इसका प्रोसेस स्टार्ट है, और हम देखेंगे कि इससे हमारा डेटा रिकवर होता है या नहीं होता है। डेटा रिकवर होने के बाद सीधा जितने भी फाइल्स हैं उस पेन ड्राइव में वो सभी के सभी फाइल्स पॉपअप हो जाते हैं। तो इस एरर को सिंपली हम क्लोज कर देंगे और नॉर्मल स्कैनिंग पे हम डाल देंगे इसको। तो नॉर्मल स्कैनिंग पे डालने के बाद ये सारे के सारे फाइल्स रिकवर करेगा, और ये थोड़ा टाइम लेता है, और टाइम लेने के बाद ये कंप्लीट होता है प्रोसेस और पूरे के पूरे फाइल रिकवर हो जाते हैं। तो हमारा स्कैनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और ऐसे एरर आता है तो आप क्लोज कर दें इसको, और क्लोज करने के बाद इसको हम ड्राइव का लेटर देंगे। आप ड्राइव का लेटर भी असाइन कर सकते हैं अपने जो स्टोरेज डिवाइस है उसको, यहाँ पे लेटर हम असाइन कर देंगे, जो भी आपको अल्फाबेट डालना है उसको डाल दीजिए और इसे ओके कर दीजिए। तो हम वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाने वाला है, क्योंकि 16 GB का पेन ड्राइव है और पूरा डेटा लोडेड है। तो हम इसे फॉरवर्ड करके आपको दिखाएंगे कि कैसे इसे रिकवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होते ही सारे के सारे जो फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, वो सभी पॉपअप हो जाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखने लगेंगे, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, इसलिए मैं इसे हाइड किया हूँ। तो ये देख सकते हैं कि सारे के सारे जो डेटा है वो आ चुका है, रिकवर हो चुका है।
इस पेज को कभी क्लोज नहीं करना चाहिए। जो भी डेटा आपको पॉपअप होता है फर्स्ट टाइम में, उसे सीधा कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप किसी सेफ ड्राइव में इसे कॉपी कर लें और जो पेन ड्राइव है उसे फॉर्मेट कर लीजिए। अब आप फॉर्मेट कर सकते हैं अपना पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव। जिसको प्रॉब्लम आ रहा है, जिसको कनेक्ट करने के बाद एरर आ रहा है कि यू नीड टू फॉर्मेट योर पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव, उसे अब आप फॉर्मेट कर सकते हैं एक बार डेटा रिकवर होने के बाद। तो हम डेटा को कॉपी कर रहे हैं अभी ड्राइव में, और इसे हम कॉपी करने के बाद पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे और फिर इस डेटा को पेन ड्राइव में कॉपी कर लेंगे। तो हमारा जो पेन ड्राइव है, कॉपी करने से पहले आप ध्यान दें कि उसे फॉर्मेट भी कर लीजिए अच्छी तरह से, और चेक कर लीजिए कि वो ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नॉर्मली जब ओपन हो रहा है तो आप आसानी से उसे उसमें डेटा कॉपी कर सकते हैं, और डेटा कॉपी करने के बाद आप बिंदास उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक ही बात का ध्यान देना है कि जब आपका पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव प्रॉब्लम करता है तो आप उसे चेक कर लें कि फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक ना हो। फॉर्मेट के ऑप्शन पे अगर एक बार क्लिक हो गया तो आपका डेटा गायब हो जाएगा। कैंसिल कर देना है, जब भी पूछेगा तो कैंसिल कर देना है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।